हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि स्प्लेंडर कोरो का फ्यूल कैसे फिटिंग किया जाता है। पूरा फुल इंजन फिटिंग बताऊंगा आप लोग को। चलिए गियर बॉक्स को फिटिंग करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कैसे फिटिंग करना चाहिए। सबसे पहले अच्छा सफाई का ध्यान रखिएगा, सबसे अच्छा सफाई कीजिए इंजन को और जितने बैरिंग है सबको लुब्रिकेशन कीजिए अच्छा से। सबको लुब्रिकेशन करेंगे और गियर बॉक्स को फिटिंग करते चलिए। इस साफ को हम लोग लगा देते हैं, इसे घुसा लेते हैं पहले, इसके बाद इंजन बैठाएंगे। चल जाएगा आराम से, थोड़ा सा टफ होगा लेकिन चल जाएगा। चल गया, अब इंजन देना है इसके ऊपर। ये जो हमारा पिनियन इस साइड अंदर से अंदर वर्सर रह रहा है, वर्सर के अंदर लगा लेंगे, फिर पिनियन को अंदर घुसा लेंगे, फिटिंग हो गया। अब बारी आती है इस आपको फिटिंग करने का, इसमें भी अंदर एक वर्सर रहेगा। फिर पिनियन ईयर अपर से नीचे तरफ जाएगा, दोनों को मिला लेंगे अच्छा से, अंदर तरफ लगा लेंगे। फिटिंग हो गया, ये वर्सल यहाँ दे देंगे और ये पिनियन जेयर से भी लगा सकते हैं, इससे अंदर चल जाएगा और इसको ऊपर वर्सल रहेगा। लग गया, अब इस चाह को थोड़ा बिटन कर लिए, निकाल के लिए गेयर बॉक्स फिट हो गया, अंदर वर्सल रहेगा, गेयर बॉक्स फिट हो गया। चेंबर को बैठाएंगे, थोड़ा थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे, पिन डाउल का खास ध्यान रखिएगा। हमारा पिन डाउल है, दोनों पिन डाउल का बहुत खास ध्यान रखिएगा और सफाई का ध्यान रखिएगा, पिन अच्छा से कीजिएगा। थोड़ा थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं, पैकिंग ला कर इनको फिर करते हैं, चेंबर को लगाते हैं, बहुत कोशिश करते थोड़ा थोड़ा हम लोग बहुत फिर मैकेनिक कर रहे हैं, बहुत कोशिश करते हैं कीजिएगा इसको बस छोटा इंजन में दिमाग में बहुत चीज़ें करना चाहिए। अच्छा से आज सिस्टम पर बैठाएंगे, अरे पैकिंग ठीक है इधर का, इसमें पैकिंग मैं नहीं लगा रहा हूँ, इसको आराम से लगाएंगे। थोड़ा अंदर का थोड़ा बूझ नहीं करना पड़ेगा, इसी अंदर चल जाएगा। पिन डाउल का खास ध्यान रखिएगा, आराम से चल जाएगा। चल के चेंबर अंदर सर, देखिए एक जरा भी हमें कुछ नहीं कि इजीली चल गया अंदर। अब चले इधर साइड का नट को, सारे नट को कस लेंगे, सबको देख लेंगे फ्री है कि नहीं, जितने भी बोल्ट है सबको कसेंगे। चले बोल्ट को कसते हैं, मेरे चैनल में अगर पहली बार आ गया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं बाइक या जो वीडियो मिलाता रहता हूँ और आप लोग को दिखाता रहता हूँ। गलती हो गई ना तो यहाँ का नहीं है बोल, चलो तो चल गया। फिर सारा बोलो बराबर कस बराबर टाइट देंगे सबको, एक पसंद आएगा तो लाइक करो, जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।
पूरा गियर बॉक्स का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, वीडियो बना हुआ पूरा गियर बॉक्स फिटिंग कैसे किया जाता है देख लीजिए मेरे चैनल में जाकर। चलिए अब फिर स्टार्ट मारते हैं, पूरा कसते हैं। हो गया अब फिटिंग करता है इस साइड को। मैं इस वीडियो को 3 भाग में बांटूंगा। पार्ट 1 में मेरा ये आएगा कल गियर फिटिंग फिट करेंगे, गियर शाफ्ट वगैरह सब फिटिंग करते हैं। जो फिनिश अच्छा शानदार सा के साथ फिंगर को तो हटा लेंगे, इधर जो छोटा जो है ऊपर से लगा लेंगे इधर। ये सब को फिटिंग करेंगे। यहाँ घुस रहा था, इसका घुसरा ध्यान दीजिएगा, घुस रहा था लुकिंग करेंगे और साथ को फिटिंग करते हैं। हैम्बर का यूज कुछ मत कीजिएगा, ऐसा में इसीलिए सब चल जाएगा, हैम्बर यूज करना ही नहीं है। इसलिए चल जाएंगे। अब इस पत्ती को लगाएंगे, लग गए। इसको लगाएंगे, ये सेट हो गया। हाँ, 10 mm का बोल्ड रहता है, इसको भी कस देंगे अच्छा से। अब गियर चेक कर लेंगे, गियर पूरा काम कर रहा है कि नहीं। इसको टाइट करते हैं, इसका गियर चेक करते हैं। तो 4 नंबर में गाड़ी हुई, गाड़ी में न्यूट्रल में गाड़ी लेते हैं। न्यूट्रल पोजिशन में गाड़ी ले लिए, अब 1 नंबर लगाते हैं। 1 नंबर लग गया हमारा। फर्स्ट स्टॉप होता 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर, सारा गियर लग गया। अब हमारा जो खुला सर का वीडियो आएगा पार्ट 2 में आएगा, ये पार्ट 1 था, तो मिलते हैं फिर पार्ट 2 में। पार्ट 1 में इतना ही, पार्ट 2 में बताएंगे खुला सर का फिटिंग। पार्ट 3 में आएगा हमारा हेड सेंटर फिटिंग का। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस वीडियो को 3 भागों में बांटा है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए वीडियो को काट करूँ।